हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन की, कि मतलब आपकी बॉडी में जो पेशाब बनता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो फ्रेंड्स उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी उसका दूसरा पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले उस लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। इसकी बेसिक कंडीशन को समझने के लिए वो लेक्चर आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, और क्या है, बिना स्किप किए देखें और ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे 10th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, डी फार्मा के स्टूडेंट है, बी फार्मा के स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जरूर। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे हम डायग्राम जो ड्रॉ किया है, डायग्राम है हमारे नेफ्रॉन का। तो फ्रेंड्स, जो नेफ्रॉन क्या होता है, फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो एक बेसिक यूनिट होती है हमारी किडनी की। जो हमारी किडनी होती है उसकी क्या है, बेसिक यूनिट है, जिसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, जो ये काम प्रोसेस करते हैं हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसकी एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं, जो आपको दिख रहा है ये एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं बाउमन कैप्सूल। ये यहाँ पे लिखा है, इसको कहते हैं बाउमन कैप्सूल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और आपको ये जो रेड रेड की दिख रही है, इसको कहते हैं कैपिलरीज। तो फ्रेंड्स, ये जो कैपिलरीज होगी इनका क्या काम होगा, जो कैपिलरीज होती है इनका काम होता है, ये सब क्या होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, पानी वगैरह होता है, उनको लेकर के आती है। तो ये आकर के यहाँ पे इकट्ठी होती है हमारे बाउमन कैप्सूल में, आकर के इकट्ठी होती है हमारी कैपिलरीज। तो फ्रेंड्स, जब ये कैपिलरीज इकट्ठी होगी, अब यहाँ से आएगी नीचे, ये हमारी ट्यूब है आपको दिख रही है, जहाँ पे सेकंड नंबर शो किया है, इसको लिखा है पीसीटी। पीसीटी यानी प्रोक्सीमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं फ्रेंड्स इसको। तो अब नीचे आते हैं, इसको जो हमारी नीचे ट्यूब दिख रही, छोटी वाली ट्यूब दिख रही है आपको, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले, यानी नीचे को आ रही है आप, मतलब हायर लेवल से नीचे लेवल, तो उसको कहते डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले कहते हैं फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले। तो फ्रेंड्स, अब जो ये आप कर्व देख रहे हैं नीचे, जो आप कर्व देख रहे हैं, इसको कहते हैं आप लूप ऑफ हेल्ले कहते हैं फ्रेंड्स इसको। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम आप जानेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऊपर की ओर चलती है ये ट्यूब हमारी, कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले, यानी असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ी की ओर जा रही है, यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले कहते हैं इसको, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारी जो इसका पार्ट होता है डीसीटी कहते हैं, यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट में, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यानी जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, तो उसको क्या कहते हैं, ये इकट्ठा होता है यहाँ पे आकर के, और इसको कहते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, शेयर कीजिए प्लीज, मजा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, शेयर तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाता रहूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा यहाँ से हमारी एनाटॉमी होगी नेफ्रॉन की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो चार पार्ट में होता है, मतलब चार प्रोसेस होते हैं, चार स्टेप होते हैं उसके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला होगा फिल्ट्रेशन, दूसरा होगा रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा होगा सिक्रीशन, और चौथा होगा एक्सक्रीशन होगा। तो फ्रेंड्स, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि जो हमारी ये जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की, जब भी आप इसको किसी बुक से देखोगे यानी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक टर्म आपको एक टर्म मिलेगी वहाँ पे, जो बार बार यूज होगी। तो फ्रेंड्स, देखोगे आप वहाँ पे क्या होगा, एक टर्म होगी हमारी जो बार बार यूज होगी, उसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, क्या कहती है ये टर्म। तो फ्रेंड्स, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है, जैसे आप देख सकते हैं ओस्मो और रेगुलेशन, मतलब दो वर्ड से मिलकर बनी है ये, ओस्मो और रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या है, ओस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस विच मेंटेन द हेमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी।
मतलब जो बॉडी के अंदर हमारी हेमोस्टेसिस होती है उसको क्या करती है, ये कंट्रोल करके रखती है। तो जैसे क्या था रेगुलेशन दे, तो मतलब कंट्रोल करके रेगुलेट करके रखती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारी ओस्मो या रेगुलेशन है दो टर्म से मिलकर बनी है, तो ओस्मो का मतलब ओस्मोसिस के थ्रू, और रेगुलेट करती है ये ओस्मोसिस के थ्रू हमारी जो होमोस्टेसिस कंडीशन होती है उसको रेगुलेट करके रखती है। तो फ्रेंड्स ये हो गई बात हमारी इसकी। तो अब बात करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है यूरिन का। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, जिसको आप फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, जैसे ही कैपिलरी हमारे, आपने पानी इंटेक किया, आपने पानी पिया, तो पानी लेकर के आ गई हमारी कैपिलरीज के अंदर, वेस्ट मटेरियल होगा, पानी होगा, कुछ आयंस होंगे, पानी के अंदर कुछ आयंस होते हैं, तो उन सबको लेकर के आएगी हमारे किसमें, बाउमन कैप्सूल में लेकर के आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी ग्रोमेरुलर के थ्रू, यानी ग्रोमेरुलर कैपिलरी के थ्रू हो रहा है, तो उसको ग्रोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो फिल्ट्रेशन जब होगा, यानी वन नंबर यहाँ पे शो किया है मैंने, वन नंबर और वन ही यहाँ पे किया है, यानी क्या फर्स्ट नंबर पे हमारा, फर्स्ट साइट में हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। तो यार फ्रेंड्स फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो हमारे आयंस होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा, वाटर होगा, वो यहाँ पे आकर के फिल्टर हो जाएंगे, यानी छन जाएंगे। अब छन जाने के बाद यहाँ पर आपके कहाँ से जाएंगे, आपके पीसीटी में आ जाएंगे, यानी प्रोक्सीमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल में आपके एंटर कर जाएंगे। अब पीसीटी में आने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, पीसीटी में क्या होता है आपका, सेकंड देखते हैं, सेकंड आपने यहाँ नंबर टू शो किया है, तो नंबर टू यहाँ देखिए आप, यानी क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे फ्रेंड्स, अब जैसे टर्म ही इंडिकेट कर रही है हमारी, रीएब्जॉर्प्शन मतलब री मतलब दोबारा, एब्जॉर्प्शन का मतलब सोख रही है, दोबारा से सोख रही है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से ऊपर से फिल्टर होकर के यहाँ पे जब आ जाएगा पीसीटी में, तो अगर हमारी बॉडी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, कुछ दोबारा चाहिए, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब दोबारा से उसको सोख लेगी हमारी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ हमारे आसपास कुछ कैपिलरीज होती है, उनके अनुसार क्या करेगी, उनके थ्रू ये उसको सोख लेगी। और फिर क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, अब वो नीचे आ जाएगा हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले में आ जाएगा। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले में क्या होगा ये देखिए, तो नंबर थ्री शो क्या है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए नंबर थ्री देखिए, तो नंबर थ्री में क्या लिखा है, सिक्रीशन होगा फ्रेंड्स। तो सिक्रीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, सिक्रीशन में ये कंडीशन होगी हमारी, तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी सिक्रीशन कंडीशन होगी। अब सिक्रीशन में क्या होगा देखिए, सिक्रीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सिक्रीशन होता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले में होता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा हमारा, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होगा, आयंस होंगे, यानी हाइड्रोजन होगा, पोटेशियम होगा, और क्या होगा कुछ डक्स हो, मतलब ड्रग्स होगी, कुछ जो आपने ड्रग ली है, लिपिड्स वगैरह होंगे, वो जो क्या है वेस्ट मटेरियल, अब वो यहाँ पे आकर क्या होगा, यहाँ पे आकर के इधर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, सिक्रीशन हो जाएगा, मतलब जो मतलब जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसको क्या सिक्रीट कर देगी, कि तुम बाहर जाओ यहाँ से, उसको क्या सिक्रीट कर देगी, और यहाँ से वो किसमें आ जाएगा हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले में आ जाएगा। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले में आने के बाद क्या होगा, वो आगे इसको फॉरवर्ड कर देगी, आगे उछाल देगी, यहाँ पे इधर आ जाएगा आप असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले में। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होगी, अब यहाँ से सीधा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, और कहाँ पहुँच जाएगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाएगा, यानी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट कर लेगी उसको, यहाँ पे आकर जाए कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद यहाँ पे शो क्या है आपने, नंबर फोर, आप यहाँ देखिए नंबर फोर में क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकल जाना, आउट फ्रॉम द बॉडी, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन, इसको आप एलिमिनेशन भी कह सकते हो फ्रेंड्स। तो एक्सक्रीशन में क्या होगा, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड ये प्रोसेस होती है हमारे यूरिन के फॉर्मेशन की, जो हमारे किडनी में होती है, परफॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स आपको इसलिए बता दूं, उस लेक्चर को जरूर देखें, बिना इसको इसके पहले देखें उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको समझने के लिए वो बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स शेयर करते रहिए, प्लीज शेयर करते रहिए, मजा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, मुझे मजा आना चाहिए, तो इसलिए फ्रेंड्स शेयर करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर एक बार से। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे प्रोसेस हमारे यूरिन फॉर्मेशन की। तो फ्रेंड्स जो हमारी प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की, ये क्या होती है, चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप गर्मी होती है, तो गर्मी कंडीशन, जैसे गर्मी होती है जिस सीजन में, उसमें हम ज़्यादा पानी का इंटेक करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं। वो पानी क्यों पीते हैं, ज़्यादा टॉयलेट जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें जो हमारा पानी इसलिए पीते हैं, जो हमारा वाटर है वो लॉस होता रहता है, यानी हमारा पसीना आता रहता है, तो उसके थ्रू जो हमारा पानी होता है वो निकलता रहता है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा पानी पीते हैं। तो आपने देखा होगा सर्दियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में पसीना नहीं आता और जो हमारा वाटर है वो लॉस नहीं होता, इसलिए हम बहुत कम पानी पीते हैं सर्दियों में, और पूरा पूरा दिन बिना पानी के रह लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन है हमारे किसकी, ये इसी कंडीशन के ऊपर काम करता है हमारा, ये सब बात होती है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फ्रेंड इसीलिए प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए,
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट, तो आपके कमेंट जरूर सुने जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको जरूर शेयर करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फारूक रहम में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।